औरत को शुरू से सिखाया जाता था कि अपनी जुबान को ज्यादा मत इस्तेमाल करो, अपनी लल्लो मत चलाओ, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। अगर औरत ज़रा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखेगी तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। ये चीज़ें बढ़ती इधर है जब जो है, जब औरत मुँह ज़ोर हो जाती है, जब औरत सास पर भी या शौहर पर डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करती है। आजकल ये मैंने देखा है कि हमें बताया जाता था शौहर आया है उसके जूते तरीके से रखे जाए, उसके कपड़े तरीके से, गर्म रोटी तवा चढ़ा हुआ हो कि आप रोटी या उसको सालन बना हुआ हो, तवा चढ़ा हुआ ताकि आप गर्म गर्म रोटी भी उसको बना कर दें। ये क्या बात है, मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, शादी क्यों की थी? अगर इफ़ यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस देन यू बेटर डोंट गेट मैरिड। इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन don't get married, you have to bear everything until and unless you learn all these manners, you should not get married until and unless you are not a proper woman. Iska matlab aap ek aapke andar khannas hai, shaadi ka matlab responsibility hai. Agar aap ye log keh de ke ha Mrs. Khan sab ye kehte hain ki shaadi ka matlab responsibility hai, magar ye maa baap ka karti hai, bhai magar Mrs. Khan ladkiyan ye kehti hain kar kya hoga ki aap shohar ka karengi। मिसेस खान लड़कियां ये कहती हैं कि हम मासी थोड़ी ना किसी के घर की बन के जा रही हैं, हम किसी की गुलाम थोड़ी ना बन के जा रही हैं, हम तो बीवी बन के जा रही हैं। अपने माँ बाप के घर में मासी थी, जो आपकी माई आपको सारा खाना बना के देती थी। आप कौन से मिनिस्टर और कौन से गवर्नर की बेटी है क्या आपको ये करना पड़ेगा? क्या बात है, इस तरह आपकी माँ ने खाना नहीं पका कर दिया, आपको रेस नहीं किया, आपको पढ़ाई नहीं करवाई, कैसे आप पढ़ी लिखी, कैसे आप इतनी बड़ी हुई, कैसे आप किसको आपने संभाला, कौन खाना पकाता था, कौन कमा के लाता था? वही रूल्स अप्लाई होंगे आपके घर में भी। आप कैसे चौधरानी बन के बैठेंगी और कहेंगी मैं सिर्फ शौहर का करूंगी? क्यों भाई, एंड यू शुड गेट आउट ऑफ द हाउस, यू हैव नो राइट टू स्टे इन दैट हाउस। सही, अच्छा लड़की अच्छा। को समझना सोचना चाहिए और मुंह बंद करके रखो शौहरों के सामने। बहुत मुंह चला रही औरतें, चाहे गरीब घर की हो, चाहे ऊंचे घर की हो, चाहे मिडिल क्लास के घर की हो। देखिए मिसेस खान, ठीक है आपकी बात बिल्कुल बजा, आपने बिल्कुल ठीक बात की, मैं उससे एग्री करूंगी, मगर हर मामले में खातून की गलती नहीं होती। अगर तलाक तक बात पहुंचती है, अलहदगी तक पहुंचती है नुशाबा, आजकल क्या होती है? आजकल टीवी देख देख कर ऊंचा ऊंचा मुंह खोलती है। आजकल मैंने देखा हमारी मासी किस तरह अपने नौकर अपने शौहर से बात करती है, मैंने देखी अच्छा, हमारी मासी हमारे कुक को वो कैसे सुनाकर चली जाती है, शोहर बेचारा चुप सुन रहा होता है, वो इतनी लो क्लास। मिसेस खान वो हो सकता है आपके सामने शोहर चुप करके सुन रहा हो, घर जाके खूब क्लास लेता होगा अपनी बीवी की वो। अच्छा नुशाबा, माना गया औरत औरत भाग जाती है।